हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका माई टी स्टडी के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलीटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट वी के बारे में, उसके चैप्टर नंबर 1 के प्रश्नावली नंबर 1.1 में आज हम कुछ सवाल क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। इससे पहले आपने अभी इंटीग्रेशन फार्मूलाज की वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट वी का तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आज का सवाल नंबर 1 है इंटीग्रेशन 1+2x + x²dx। तो हमने इससे पहले आपको टोटल फार्मूलाज बता दिए हैं, उसकी वीडियो आप वॉच कर लें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो इसको हम सिंपल फॉर्म में सबसे पहले खोल लेंगे। सिंपल फॉर्म में हम इसे खोल लेंगे, 1 × dx + (2x dx) + (x²dx) इस टाइप से खोल लेंगे। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ मैं, वैसे हम इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं बहुत जल्दी, अभी शुरू कर रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ मैं ऐसे। तो 1 dx का हो जाता है x, बता दिया पहले से, और ये कांस्टेंट है 2 को बाहर ले लेंगे, और x का हो जाएगा x²/2, क्योंकि इसका फार्मूला होता है, इसका होता है फार्मूला x^n का हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका हो जाएगा x^(n+1)/(n+1), इसका ये फार्मूला है, ये हो जाता है। तो हम इसको 2x dx को हम 2x²/2 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम इसको हल करेंगे, x²dx का हो जाएगा x³/3 प्लस सी, सी एक समाकल नेतांक है, इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और फिर 2 से 2 कैंसिल, और हमारा हो जाएगा x² + x³/3 + c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी हम सिंपल फॉर्म में खोलेंगे, x³+3x² + 3x + 1, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। इसको भी सबसे पहले हम सिंपल फॉर्म में खोल लेंगे, x³dx + 3 को बाहर ले सकते हैं, x²dx + 3 बाहर ले लिया, x dx + (1dx), इस टाइप से हम इसको खोल लेंगे। अब इसको सॉल्व कर दूँ, x³(3+1)/(3+1) + (3 bx) × x²(2+1)/(2+1) + (3 bx), और इसका x³(3x)(1+1)/(1+1) + यहाँ 1 का यानी कि x^0 + x^1 + c, इस टाइप से हो जाएगा। फिर हम आगे करेंगे, 3+1 को हम लिख देंगे x^4/4 + 3 × x^3/3 + 3 × x^2/2 + x + c, यहाँ पे c ये समाकल नेतांक है। अब 3 से 3 कैंसिल कर देंगे यहाँ पे, फिर आगे हम लिखेंगे x^4/4 + x³(3/2) + (x²) + (x + c), ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे अगला सवाल, x + 3 × x - 4 dx। तो इसकी और इसकी गुणा कर देंगे, उसके बाद इसको हल कर देंगे, तो x^x = -4x + 3x - 12 dx, इसको और हल कर लेते हैं, x²-x - 12 dx, इसको खोल देंगे हम,
डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू अपॉन थ्री माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस वारा वारा डी एक्स, वारा कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, और डी एक्स का एक्स प्लस सी। चूँकि हम लोग जानते हैं कि एक्स की पावर एन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम तो इसका हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है, ये हो जाता है इसका, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 14 सवाल, इंटीग्रेशन वन माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना हमें। इसको सिंपल सा हम पहले ऊपर वाले को खोलेंगे जो अंश में दिया गया है, उसको हम खोलेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू, बी क्यू यानी कि एक्स स्क्वायर का क्यू माइनस थ्री ए बी, ए की जगह एक है और एक और एक्स स्क्वायर है बी की जगह, और इनटू में होता है हमारा वन माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है अपॉन एक्स स्क्वायर, हम यहाँ लिखेंगे। चूँकि ए क्यू ए माइनस बी का होल क्यू इजकल टू होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी इंटू में ए माइनस बी, इसका ही फार्मूला होता है। फिर इसको हम आगे लिखेंगे, इंटीग्रेशन वन माइनस एक्स की पावर छः माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस और माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी, और थ्री एक्स की पावर फोर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हमारा चल रहा है, ठीक है। फिर आगे हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे अलग अलग, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर सिक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स की पावर फोर अपॉन एक्स स्क्वायर, इस टाइप से हम इसको लिख देंगे इंटू डी एक्स, ये हमारा चल गया है। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, ये एक्स की पावर टू अपॉन में ऊपर जाएगी माइनस का हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स, माइनस टू कैंसिल हो जाएगी टू पावर तो एक्स की पावर फोर डी एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल माइनस थ्री डी एक्स, थ्री बार आ जाएगा कॉन्स्टेंट है इसलिए, प्लस ऐसे यहाँ पे थ्री बार आ जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, ये बच्चा। इसको हम आगे ले सकते हैं एक्स की पावर माइनस टू, तो चूँकि फार्मूला होता है एक्स एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन हो जाएगा, तो इसका एक्स की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, इस टाइप से हम खोल देंगे। आगे एक्स की पावर फोर का एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव माइनस थ्री एक्स अपॉन वो एक्स हो जाएगा ओनली, फिर आगे थ्री एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन थ्री प्लस सी, समाकल निकालना, थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा हमारा, बचेगा यहाँ पे हम इसको हम लिख सकते हैं माइनस बाहर आ जाएगा, और एक्स की पावर माइनस वन है इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स, ठीक है, माइनस एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव माइनस थ्री एक्स और प्लस हमारा बचेगा एक्स क्यू प्लस सी। अब हम इसको सही तरीके से लिख देंगे, अब हम इसको घातों के घटते हुए क्रम में लिख देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव प्लस एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स और माइनस वन अपॉन एक्स प्लस सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव ये हमारा है इंटीग्रेशन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन हो गया इसको क्लॉज फिर डी एक्स, इसको हम खोल दें, इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो इसको अलग अलग कर दें, चलो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स,
इसका हम करेंगे तो x की पावर 3 अपॉन 3 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन से x² का होता है 10x + c। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन sin xy2 - cos xy2 का होल स्क्वायर। इसका हम इंटीग्रेशन हमें करना है, तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे, इसका हम खोल देंगे, sin² xy2 + cos² xy2 - 2 sin xy2 cos xy2। ये फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू, चूँकि a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + b² - 2ab। इस फार्मूले से हम इसको ओपन कर देंगे। इसके बाद अगला स्टेप हम बढ़ेंगे, तो sin² xy2 + cos² xy2 = 1, क्योंकि sin² x + cos² x = 1, तो हम उसकी जगह 1 पुट कर देंगे, 1 माइनस, और 2 sin xy2 cos xy2, यानी कि ये होता है sin 2a का, तो हम इसे sin x लिख देंगे, 2 × x के कितना है xy2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा dx चल गया, ठीक, 2 से 2 कैंसिल, इंटीग्रेशन 1 - sin x dx, तो 1 का समाकलन हो जाएगा x माइनस, और साइन एक्स का हो जाएगा cos - cos x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन अंडर रूट में 1 + sin 2x dx, इसको हम लिखेंगे, इंटीग्रेशन अंडर रूट में हमारा चल रहा है, 1 की जगह हम लिख सकते हैं इसको sin² x + cos² x + sin 2x, को हम खोल देंगे, sin 2x को खोल देंगे, 2 sin x cos x, इसको हमने ओपन कर दिया और dx हमारा चल गया। फिर आगे जी हमारा फार्मूला बन गया sin a² + b² + 2ab, यानी कि sin x + cos x² इसका हमारा फार्मूला बन गया, तो हम इसको ये स्क्वायर इज रूट को काट देगा, बचेगा हमारा sin x + cos x, ये हमारा बच गया, तो dx चल गया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा -cos x, और cos x का हो जाएगा sin x + c, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मैं इससे और ज़्यादा वीडियो लाने वाला हूँ अपने चैनल पर। तो दोस्तों